तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कल बहुत बड़ा एक कलेश हो गया, मतलब BGMS के अंदर बहुत सारे ड्रामाज हमें देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें हुई। सारी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अपन बात कर रहे थे कि कल हुआ क्या बेसिकली। तो कल जब पहला मैच इरेंगल का स्टार्ट हुआ, उसमें सोल के प्लेयर्स एक एक करके मरते गए इनसेन के प्लेयर्स के हाथों। एंड मतलब ऐसा लग रहा था कि सोल के प्लेयर्स कुछ कर ही नहीं रहे या कुछ कर ही नहीं पा रहे। एंड ये जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद सेठ भाई ने एक ट्वीट करा जिसमें लिखा था, द टीम कंप्लेंट ऑफ 400 पिंग वे बिफोर द मैच स्टार्टेड, दे कुडंट लूट, कुडंट मूव एंड वाइल टॉकिंग टू द एडमिन्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन, इनसेन केम एंड किल्ड अस, प्लेयर्स कम विद द माइंडसेट टू प्ले, वी वर पॉजिटिव, वी वर पम्प्ड एंड ऑन टॉप, इट माइट लुक लाइक एन एक्सक्यूज बट यू मे सी हाउ द फ्रस्ट्रेटेड प्लेयर्स आर। एंड बेसिकली उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि मैच स्टार्ट होने से बहुत पहले ही जो टीम सोल है उन्होंने कंप्लेन कर दी थी कि उनको 400 पिंग आ रही है। अब आप सोच सकते हो 400 पिंग कितनी हाई होती है, वो भी कॉम्पिटिटिव सीन में। एंड जब टीम सोल एडमिन से बात कर रही थी इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, तभी इनसेन आई है उनको मार के चली गई। एनसीड भाई ने यहाँ पर बताया कि प्लेयर्स बहुत मोटिवेटेड रहते, बहुत पम्प्ड होकर यहाँ पर खेलने आते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों की वजह से प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एंड बेसिकली यही पिंग इशू चल रहा था। एंड इसके टेट गोल्डी भाई का भी एक रिप्लाई हमें देखने को मिला, सेठ भाई के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा था कि वॉकआउट कर जाओ किसी मैनेजमेंट की वजह से, तुम और प्लेयर्स परेशान मत हो। बेसिकली ये बहुत बड़ा मतलब स्टेटमेंट था गोल्डी भाई की तरफ से। एंड फिर ट्विटर के रिएक्शन की अपन बात करें तो ट्विटर पर बहुत सारे लोग एंग्री थे नॉर्डविन से, उनकी मैनेजमेंट से, प्रोडक्शन से। बहुत सारे रिएक्शन हमें देखने को मिले जो कि अपनी अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। बेसिकली बहुत सारे प्लेयर्स पहले भी कंप्लेंट कर चुके कि मतलब डिवाइस इशू आ रहे हैं, थोड़े पिंग इशू भी आ रहे हैं। एंड मे बी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए, मेरे दोस्तों से मैं बात करता रहता हूँ कि एक ना एक दिन बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, मैंने उनको से बताया था। एंड कल ही वो बवाल हुआ। एंड खुद का बीच में सेल्फ इंटीग्रेशन, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नहीं करा हो तो। रोज अपन बात करते रहते रहते, yt.ethereal मेरे हैंडल का नाम है। एंड अपनी वीडियो में वापस आते हैं अपन। तो बेसिकली यही हो रहा था, फिर सेकंड मैच में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन थर्ड मैच में वापस सारे प्लेयर्स को पिंग इश्यूज आ रहे थे। एंड इसी के चलते बहुत सारे प्लेयर्स ने अपने आप को सेल्फ नेट कर लिया था कि पोजीशन नूब ने स्पॉट करी है, बट अभी के लिए कोई शॉट डिलीवर करते नजर नहीं आ रही। इज वेटिंग फॉर द परफेक्ट मूवमेंट, वो मूवमेंट आएगा जरूर एंड ही इज एबल टू टेक डाउन रेडन। हिल का एडवांटेज कन्वर्ट किया एक नॉक के साथ। अब कवर फायर देने के लिए शैडो भी बिल्कुल मौजूद है बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, एंड ही विल ट्राई टू जस्ट क्लोज द थिंग्स डाउन, क्योंकि अब यहाँ पे एक फ्लैंक एंगल जो क्रिएट करना चाहते हैं जीई के प्लेयर्स, उसके लिए बग्गी का भी सपोर्ट आ चुका है। एंड अब WSB किस तरीके से डील करेंगे इस ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के अर्ली एग्रेशन से, वो देखना पड़ेगा। WSB को केयरफुल रहना पड़ेगा, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के ऊपर किसी भी समय पर हावी हो सकती है। लीजिए एंड यही देखते देखते ये डिसाइड हुआ कि अब जो थर्ड मैच था मीरामार का, वो आज यानी संडे को रीशेड्यूल करा जा रहा है। एंड पंक ने भी बताया था कि उनकी टीम को भी बहुत भारी पिंग इशू फेस करने पड़ रहे हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड फिर AKOP का मैं एक ट्वीट देखने को मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था, आई वॉज कम बैक इन BGMS। बेसिकली मेरे को तो लगता है कि बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि वन प्लस के साथ इतनी बड़ी डील है, वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। एंड ये चीज़ हो सकती है कि वन प्लस अपना को दूसरा फ़ोन ले आए, लेकिन डायरेक्ट वन प्लस की डील को ही ख़त्म करना मेरे को पर्सनली बड़ा मुश्किल लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बेसिकली ये जो डिवाइस इशूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंड इस वजह से पूरा टूर्नामेंट भी ख़राब हो रहा है। बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड इसी के साथ साथ सेठ भाई का इस पूरे मैटर पर हमें एक और ट्वीट देखने को मिला जिसमें उन्होंने लिखा, माई चिल्ड्रंस फॉलोइंग माई फुटस्टेप्स ऑफ ऑलवेज बींग द फर्स्ट वन टू स्पीक अप। एंड यही बेसिकली पूरा मैटर था। अब इस पर आपको क्या कहना है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब गॉडल के बारे में। तो जैसा कि हमको पता है कि आज BGIS ग्राइंड का फाइनल दिन है, टॉप 64 टीम्स अभी खेल रही है। आज के दिन खत्म होने के बाद जो टॉप 32 टीम्स होगी वो राउंड 3 के लिए क्वालिफाई होगी, जो बॉटम 32 टीम्स होगी वो राउंड 2 के लिए क्वालिफाई होगी। एंड अभी जो गॉडल है वो बहुत नीचे चल रही है, उनके दो ही मैचेस अभी बचे हुए हैं एंड टॉप 32 में उनका आना बड़ा मुश्किल है। एंड स्पीरो इसी बारे में बात कर रहे थे, उनसे भी पूछा जा रहा था कि क्या शेडो के आइजलिंग इफेक्ट कर रही गॉडल के परफॉर्मेंस को। एंड घातक भाई के बारे में वो बात कर रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे थे। तो इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई आपको क्या लगता है, शैडो की आइजलिंग पैसिव है तो उसे गॉडलाइक का गन पावर कम होगी है एक्सक्लूडिंग एस पावर? आई डोंट थिंक शैडो की आइजलिंग पैसिव है, इट जस्ट लाइक के अभी हाल के समय में थोड़े से गलत डिसीजन आ रहे हैं, पैसिव नहीं है। पता नहीं यार, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। कल मैंने बताया था यार गॉडलाइक क्वालिफाई करेगी, क्या लगता है? क्वालिफाई तो ऑलरेडी वो BGIS के लिए कर चुके हैं राउंड 2 के लिए, बट मुझे नहीं लगता राउंड 2 के लिए, राउंड 3 के लिए करेंगे। बिकॉज अगर तुम उनका अभी के लिए स्कोर कार्ड देखो, लेट आई शो यू यार, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ मुझे लगता नहीं इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है बट इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। स्पिरो, A7 के कोच ने घातक भाई को इंडिया का बेस्ट कोच बोला, डू यू अग्री विद दैट? घातक भाई यूज टू बी अ वेरी गुड कोच बट ही इज नॉट कोचिंग राइट नाउ, डोंट यू गाइज नो?
ही इज नॉट वर्किंग विद द टीम बिकॉज वो गॉडलाइक के ऊपर मैनेजमेंट वाले रोल पे आ चुके हैं। आई थिंक ये रिवील नहीं हुआ या हुआ पता नहीं मुझे, बट लास्ट टाइम जब मुझे मिले थे तो यही कह रहे थे ही इज नॉट कोचिंग द टीम, ही डजंट हैव इनफ टाइम फॉर, ही इज वर्किंग एज इन अ मैनेजमेंट सिस्टम राइट नाउ। सुरो भाई, अगर गॉडल में जोनाथन क्लचगोट नियो जिगोट का लाइनअप अगर वापस आया तो क्या गॉडल बैटल बेटर परफॉर्म कर सकती है? आई एम नॉट श्योर यार, वो प्रॉब्लम्स पहले भी थी, टीम में कुछ प्लेयर्स बदले हैं बट वो प्रॉब्लम्स अभी भी है। और जब तक आप इन डेप्थ उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक अ कमबैक। एंड हम गॉडलाइक के बारे में बात चली रही है तो अपन बात करने वाले जोनाथन के बारे में। तो नॉर्डविंग के चैनल पे एक इंटरव्यू आउट हुआ था जोनाथन का, जिसमें उनसे ये पूछा जा रहा था कि क्या आप कभी गॉडलाइक को लीव कर सकते हो क्या, एंड फॉर एन एग्जांपल अगर सोल से आपको अंधा पैसा मिल रहा है तो क्या आप सोल ज्वाइन करोगे क्या? तो इसका रिप्लाई करते हुए जोनाथन ने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई टीम तुझे तेरे पेचेक का डबल देती है ओके, तू गॉडलाइक छोड़ेगा? सो देख, ये हाथों से पैसे तो कमा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो भाईचारा कमाए हो ना किधर और नहीं मिलेगा। सो अपने बंदे मेरे लिए अलग है, सो ऐसा डजंट मैटर। अगर कल थक का फोन आता है कि सोल आ जा और मुंह मांगी कीमत दूंगा? सो पैसे से बढ़कर फैमिली है मेरे लिए, इन शॉर्ट। सो नहीं बोलूंगा मैं, फैमिली इज एवरीथिंग फॉर मी। तो जो लोग साथ में थे स्टार्ट से उनके साथ ही बिताऊंगा एंड तक। सो फैमिली, पैसे तो आते हैं। एंड हाइपोथेटिकली सोचो, सोल जोनाथन सुनने में कितना अजीब लगता है। मैंने लास्ट टाइम ये वर्ड तब सुना था जब मॉर्टल एंड जोनाथन साथ में खेला करते थे एंड वो एक जॉर्जो पुल में एक मैच खेल रहे थे, वहाँ पर वो जॉर्जो पुल में लूट कर रहे थे एंड मॉर्टल ने जोनाथन से फाइनली पूछा था कि क्या तू सोल ज्वाइन कर रहा है क्या। तब ये लास्ट बार था जब मैंने सोल जोनाथन सुना था एंड उसके बाद डायरेक्ट आज के दिन सुन रहा हूँ। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, वैसे ही जैसे सोल जोनाथन गॉडल मॉर्टल सुनने में कितना अजीब लगता है। एंड अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल जो एचएच उन्होंने गॉडलेक के दो मेंबर्स को मारा था, दो प्लेयर्स को मारा था बीजीआईएस के अंदर, एंड उसके बाद आईफ्लिक्स को बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी एंड इसी के रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी। उन्होंने लिखा था एचएस ने गॉडलाइक के दो बंदे क्या मार दिए भाई, कुछ भी सपोर्टर्स है भाई, एंड उनको हेट मिलती थी, उसका उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला था। एंड इसी के बाद एक प्रॉपर एक्सप्रेशन देखने को मिला था हमें जोकर की तरफ से, एंड इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लुक्स लाइक यू आर वेटिंग टू टारगेट गॉडलाइक इन सनो टुडे टू स्पॉइल देयर गेम। So quench my desires if you know if you play competitive or if you heard about the zone shifts and on jo zone wagera hai na uske bare mein na thoda sa dekho theek hai। Hum jaate hai Sami, hum log gaye the Sami, thoda sa map thoda pehle dekhoge na to thoda sa agar itna hi tumhara tumme dimag hai na competitive follow karte ho to hum log ja rahe the Sami pura map dekhna। Hamare sath mein Marcos Gaming dekha maine, team kaun si aayi thi wo Marcos Gaming thi jitna mere ko yaad hai। एंड लाइव स्ट्रीम के अंदर भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एक चीज दिखेगी, मेजी ने एक चीज बोली थी कि हम जब हिल से क्रॉस कर रहे थे ना तो मेजी ने एक चीज बोली थी कि हम लोग क्रॉस क्यों कर रहे हैं, हम लोग वहां पे कैंप क्यों नहीं कर रहे गॉडलाइक का, बिकॉज वी डोंट नो। मैंने वहां पे एक चीज बोली थी कि टीटीई और एक गॉडलाइक ये दोनों पाइनन जाते हैं और वो पाइनन पे होगी। टीम को मैंने कॉल भी दिया था कि अपने राइट राइट से निकलना क्योंकि लेफ्ट साइड वो लोग हो सकते हैं, उनका फाइट होता है। हालांकि उस टाइम तक कोई किल फिट नहीं देखा था हमें कोई, तो हम जब जा रहे थे तो बाइक से गॉडलाइक वाले हमारे बीच में, वी वर जस्ट रोटेटिंग, यू कैन सी द स्ट्रीम। सो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो पता चलेगा चीजें कैसे वर्कआउट करती है। सीधा टारगेट बोल देने से ये नहीं होता ब्रो, वी आर स्टैंडिंग इन टॉप सिक्स राइट नाउ। व्हाई? क्योंकि हमारा गेम, हमारा जो फोकस है ना, जो हमारा गेम है वो पूरा काइंड ऑफ वो हैशटैग वन पे फोकस है कि हम लोगों को अच्छा खेलना है। हमारा फोकस अभी उधर ही चल रहा है, किसी का गेम खराब करना या किसी के काइंड ऑफ किसी का गेम बिगाड़ना बेस पे, उस बेस पे नहीं कर सकते। वरना जाने को तो हम एमजी पे भी जा सकते हैं, एमजी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचा करो भाई, तुम लोग सिर्फ अपनी टीम के लिए देखते हो बट थिंक अबाउट अवर्स के भाई, हम जिस हिसाब से खेलते ना, हमें हर मैच जीतने के हिसाब से खेलते, किसी एक बड़ी टीम को मार के हमें खुश होने से हमारा वो टाइम गया ब्रो। अंडरडॉग्स तो है नहीं ना कि सोल को गॉडलाइक को किसी बड़ी टीम टीम को मार देंगे तो हमें फेम मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, तो ये थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करो ब्रो। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिड भाई के बारे में। तो बीजीएमएस से कल के स्टार्टिंग के दिन में एक इंटरव्यू हुआ था सिड भाई का, जहां पर उन्होंने ट्रैश टैक करा था गॉडल को, तो वो वाली क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस है, ट्रॉफी नहीं आई अभी। यार देखे, लास्ट टाइम जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था, आपने मेरे को स्टेज पे बुलाया था, मेरा सबसे बड़ा राइवल मेरे सामने खड़ा कर दिया था। आज वो राइवल घर चला गया, मैं अभी भी यही खड़ा हूँ। तो एंड ऑफ द डे फॉर मी इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस, इट इज अबाउट फाइटिंग स्पिरिट फॉर मी एंड माई टीम। लास्ट डे तक, लास्ट गेम तक मैं और मेरी टीम 100% एफर्ट देंगे ट्रॉफी आने के लिए। रिजल्ट आता है नहीं आता है डजंट मैटर, द शो कीप्स गोइंग ऑन। ट्रॉफी आए ना आए, कॉन्फिडेंस कहीं नहीं जा।
एंड नेक्स्ट हम बात करते स्काई स्पोर्ट्स के बारे में, तो जैसे कि हमको पता है कि स्काई स्पोर्ट्स का एक BGMI का लैंड टूर्नामेंट आने वाला है, उसके भी बहुत ज़्यादा हाइप भी हो रखी है, एंड उसी से रिलेटेड पूछा जा रहा था कि आपको क्या लगता है कौन से गेस्ट को बुलाया जा सकता है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो एक बंदे ने रिप्लाई करते हुए लिखा था MS धोनी, तो इसका ही शिवा सर ने रिप्लाई करते हुए लिखा था वी विल ट्राई 100% टू ब्रिंग थला इन टू स्काई स्पोर्ट्स BGMI लैंड टूर्नामेंट। एंड एक बार सिर्फ सोचो कि अगर BGMI के एक लैंड टूर्नामेंट के फाइनल में MS धोनी सर आ गए तो कितना बड़ा सीन होगा। एंड बस अपनी आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं यार, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।